एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शोमाली और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बंगाल स्टाइल में कैसे आलू गोभी बनाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, जहां मैं कुछ इंडियन मसालों के साथ आलू और गोभी को बनाऊंगी और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, चाहे आप रोटी के साथ खाएं या प्लेन राइस के साथ। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। मुझे यहाँ पे चाहिए कॉलीफ्लावर, पोटैटो पीसेस, फाइनली चॉप्ड अनियंस, घी और क्लैरिफाइड बटर, ऑयल, होल क्यूमिन शीट्स, होल ड्राई रेड चिली, बेली, फ्रेश टमाटो पेस्ट। यहाँ पे मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, शुगर एंड सॉल्ट। अब इन सारी चीज़ों को मैं ऑयल के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैं पानी के साथ भी इस मिक्सचर को बना सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑयल को यूज किया इसलिए कि आपको मैं दिखा सकूँ कि इस मिक्सचर को आप 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं, ताकि आपका कुकिंग का जो टाइम है वो भी बच सकता है और आपका मेहनत भी। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं घर में बनाती हूँ और 1 वीक के लिए मैं एयरटाइट जार में स्टोर करके रख देती हूँ, मैं इससे खाना बना सकूँ और मेरा टाइम बच जाए। ऐसे एक एयरटाइट जार में आपको इसे रखना है। तो सबसे पहले मैं कॉलीफ्लावर और पोटैटो को अलग अलग से फ्राई करूंगी हल्का लाल होने तक। और अभी ये सेम ऑयल में मैं ऐड करूंगी होल ड्राई रेड चिली, क्यूमिन शीट्स और बे लीफ्स। अभी 2-3 सेकंड्स के लिए इसको स्टीर करना है। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप्ड अनियंस, जब तक ये हल्का लाल हो जाए तब तक मुझे इसे फ्राई करना है। अभी जब ये हल्का लाल हो गया है तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़े टाइम के लिए इसे मैं स्टीर करूंगी। जब ये जिंजर गार्लिक का रॉ जो एक स्मेल होता है वो घट जाए, तब मुझे ऐड करना है मसाला पेस्ट जो मैंने पहले से ही बना के रख दिया था। और अभी इसे 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करना पड़ेगा। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटो पेस्ट। और अभी इसे 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में कुक करना होगा। फ्राइड पोटैटो और कॉलीफ्लावर मैंने ऐड कर लिया था और उसको ऐड करने के बाद 5-6 मिनट तक मुझे मीडियम फ्लेम में इसको अच्छी तरह से कुक करना है, जब तक कि ना मसाला तेल छोड़ दे। अभी इसमें ऐड करना है पानी। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। अभी लीड ऑफ करके इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करना होगा। अभी आप देख सकते हैं ये परफेक्टली बन गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी घी। और अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा करके सर्व करूंगी। मेरा आज का डिश रेडी है और इसको आप घर में जरूर ट्राई कीजिए
और प्लेन राइस और रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आगे से और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहिए मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।